हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कॉलेजेस मैटर करते हैं आर्किटेक्चर फील्ड में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि टॉप कॉलेजेस किसे बोलते हैं, क्या डेफिनेशन होती है बेस्ट कॉलेजेस की, एंड एट लास्ट बात करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी कॉलेज को चूज़ करते वक्त। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि क्या कॉलेजेस मैटर करते हैं आर्किटेक्चर फील्ड में। तो यस, ऑफ कोर्स कॉलेजेस मैटर करते हैं, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन हो ही नहीं सकता कि कॉलेज मैटर नहीं करते, ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते आपके स्टडी पे। तो ऑफ कोर्स कॉलेजेस मैटर करते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट था कि टॉप कॉलेजेस कौन से होते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। एक्चुअली में अगर इसका आंसर देखा जाए तो टॉप जैसा कोई वर्ड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना कभी एजुकेशन सेक्टर में मैटर करता है कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप स्कूल कौन से हैं। इन वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को जो हमने खुद ने बूस्टअप किया है, जैसे कि हम अगर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हम खुद ही सर्च करते हैं टॉप 10 कॉलेजेस या फिर टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस, बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज इन न्यू दिल्ली, इन टाइप्स के जो कीवर्ड्स हैं ये हम खुद ही सर्च करते हैं। और ये चीज़ें जब मार्केट में पहुंचती है, एजुकेशन सेक्टर में कॉलेजेस को पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो है इन टाइप्स के वर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो वो अपना जो कॉलेज होता है उस कहीं ना कहीं उसके मार्केटिंग में ये वर्ड डालने की कोशिश करते हैं कि उनका किसी भी मैगज़ीन में या फिर किसी भी सेक्टर में टॉप वाला वर्ड जो है, वो टैग जो है वो लग जाए। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं कि हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मैगज़ीन, अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स। बट अगर आप देखेंगे वो जहाँ से एफिलिएटेड होते हैं ये यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि नाटा से, तो नाटा वाले कभी ऐसे लिस्ट निकालते नहीं हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, वो कभी ये लिस्ट नहीं निकालते। वो दो ही टाइप के लिस्ट निकालते हैं, ब्लैक लिस्टेड और नॉन ब्लैक लिस्टेड, कौन से एलिजिबल है, डेट्स इट। तो इन चीज़ों को, जो वर्ड्स का जो मींस बूस्टअप है, वो हम खुद ही देते हैं, खुद ही बढ़ावा देते हैं। और फिर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने एजुकेशन पार्ट को छोड़ के कहीं ना कहीं एक दिखावे वाली या मार्केटिंग वाले सेक्टर में एंट्री कर जाती है, क्योंकि हम डिमांड ही गलत चीज़ की करते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, तो वो हमें सप्लाई भी गलत ही चीज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि तो इसकी डेफिनेशन होती क्या है कि टॉप कॉलेजेस फिर क्या है। तो एक्चुअली में टॉप जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, जो आंसर है वो एग्जैक्टली में होता है वेल इस्टेब्लिश्ड, जैसे कि सर जे जे कॉलेज है, NIT है, आपका SPA दिल्ली है, तो ये सब वेल इस्टेब्लिश कॉलेज है। ये टॉप कॉलेजेस आप अपने रेफरेंस में मान सकते हैं, इनकी प्लेसमेंट ज़्यादा लगती है आप ये मान सकते हैं, इसमें जो एजुकेशन, जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी, जो अकेडमिक्स है, वो थोड़ा सा हाई सेक्टर में होता है, आप बिल्कुल मान सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये वेल इस्टेब्लिश है, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी, तब ये टॉप नहीं रहे होंगे या वेल इस्टेब्लिश नहीं रहे होंगे। तो हर चीज़ की एक जो शुरुआत होती है, जो इनिशियल एक स्टेज होता है, तो आज की डेट में जब उन्होंने वो चीज़ स्टार्ट की थी तो आज की डेट में वो वेल इस्टेब्लिश है, तो उसे वेल इस्टेब्लिश कहते हैं, टॉप कॉलेजेस नहीं बोलते। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जनरली स्टूडेंट्स को बहुत बार सुना है पूछते हुए भी कि मेरी नाटा में 150 स्कोर है, 12th में 70% मीन्स मेरी 70% आई है, तो कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अब गाइस, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी इंसान के लिए बेस्ट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ हो सकती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मेरे घर में कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो मैं, अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उनको बोलूँगा कि अगर आपके इतने ही अच्छे स्कोर हैं तो आप अंसल यूनिवर्सिटी में चले जाइए। अब अंसल यूनिवर्सिटी की जो एनुअल जो फीस है वो 8 लाख से लेके 12 लाख तक है। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो आपके लिए बेस्ट का मतलब अलग होगा, मेरे लिए बेस्ट का मतलब अलग होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं किसी को बोल दूं कि साउथ में एक कॉलेज है, मीन्स साउथ इंडिया में एक कॉलेज है, वो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप होम सिकनेस हैं, आप घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आप हॉस्टल में जाके रहे और आप अपने ही स्टेट में रहना चाहते हैं, तब उस केस में आपके लिए वो बेस्ट कैसे हो सकता है। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आपको बेस्ट का आंसर दे दिया, बट वो मेरे लिए बेस्ट था, मेरे सिनेरियो में बेस्ट था, क्योंकि मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता हूँ, तो कोई मुझे जर्मनी का अगर रेफ़र करेगा तो मैं जर्मनी जा सकता हूँ। बट क्या आप जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब है कि
आपके लिए बेस्ट की डेफिनेशन अलग है, मेरे लिए बेस्ट की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो ये जो क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन से हैं या फिर कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये जनरली अलग अलग होता है। हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअली बेस्ट का जो डेफिनेशन होता है वो अलग होता है। तो लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली में फिर हमें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया जो एक स्टूडेंट्स का होना चाहिए वो ये कि वो किस स्टेट में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर वो दिल्ली से बिलोंग करता है, लाइक मैं हूँ तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्या दिल्ली में रहना चाहता हूँ या आउट ऑफ स्टेट जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है। उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी स्टेट को चूज़ करें वो मेट्रोपॉलिटन हो, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में आपको एक्सपोजर, मार्केट, ये सब और चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, आपको और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, जैसे कि हॉस्टल, पीजी, आपका बजट, हर चीज़ आपको एक आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी चीज़ें। तो मेरी रिकमेंडेशन यह रहेगी कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी चूज़ करें, बट ये रिकमेंडेशन है, अगेन आपके लिए बेस्ट अलग हो सकता है कि आपको कौन सा स्टेट चूज़ करना है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि आपको अपना बजट चूज़ करना है। क्या है आपका बजट किसी भी कॉलेज को लेते वक्त, लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपका बजट अलाउ करता है कि आप एनुअली जो है वो फीस पे कर सकते हैं 1 लाख या 50,000 या 60,000 या 8,000 10,000, तो वो आपके बजट के अकॉर्डिंग फिर कॉलेजेस का जो फिल्ट्रेशन है आप उस तरीके से करेंगे, सिलेक्शन जो है वो उस तरीके से करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके बजट के अकॉर्डिंग। अब ये ना हो कि आप बेस्ट चूज़ करने के चक्कर में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपने एजुकेशन लोन ले लिया या फिर कोई सा भी लोन ले लिया या ज़मीन बेच दी अपनी और फिर उसको आप पे आउट कर रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि आप फीस तो पे कर देंगे बट वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ का स्टैंडर्ड, फिर वहाँ की जो स्टेशनरी होगी वो थोड़ी सी अगेन थोड़ी सी कॉस्टली होगी। तो वो सारी चीज़ें जो एकोमोडेशन वाली पार्ट आता है, एकोमोडेशन वाला या आपके स्टेशनरी वाला जो पार्ट आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, तो आप उन सबको ही कोप अप करते रह जाएंगे। तो आप जो है वो कहीं ना कहीं स्टडी से दूर होते चले जाएंगे और उन्हीं सब चीज़ों में कोप अप करते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स के स्टैंडर्ड्स को मैच करते रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा अपने बजट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को चुनें ताकि वहाँ पर आपके ही टाइप के, आपके ही माहौल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, तो आपको स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ना कि इन सब चीज़ों में आप फोकस करेंगे कि आपको कोप अप कैसे करना है, कैसे फ़ीस भरनी है या कैसे स्टेशनरी ख़रीदना है, इन सब चीज़ों पर। फिर थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि थर्ड कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। थर्ड आपका खुद का होना चाहिए कि आप जिस भी कॉलेज को चूज़ करें सबसे पहले उसको देख लें कि वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, उसके लास्ट 2 ईयर्स की हिस्ट्री देख लीजिए कि वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है कॉलेज, या कभी किसी रीज़न की वजह से हुआ तो नहीं है वो ब्लैक लिस्टेड। तो ये आप एनालिसिस पहले करके जाइए। तो लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि आप कॉलेज कैंपस में विज़िट करें और वहाँ पर जाके देखें कि वहाँ पे कितने इंटरेक्शन स्पेसेस हैं, कितनी इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, और साथ ही साथ क्या कॉलेज का वर्क है, मीन्स आपके सीनियर बैच क्या क्या कर चुके हैं। तो ये चीज़ें जाके आपको कॉलेजेस में देखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि आप वहाँ पर मीन्स कि आपके लिए वो कॉलेज बेस्ट है कि नहीं है। तो ये होता है बेस्ट के डेफिनेशन, कि हर एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ट के डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। साथ ही साथ टॉप जो है वो एग्जैक्टली में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, वेल इस्टेब्लिश कॉलेज होते हैं, टॉप कॉलेजेस कुछ नहीं होते, ये हम खुद ही बूस्टअप करते हैं इन कीवर्ड्स को। उसके बाद अगेन फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि येस ऑफ कोर्स कॉलेज मैटर करते हैं, तो हमेशा अपने कॉलेज का क्राइटेरिया, हमेशा अपने कॉलेज का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करें। थैंक यू।